नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास शो लोकतंत्र का सच। किसी ने सच कहा है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कितनी सच्चाई के साथ आए इसके जवाब अभी तलाशने बाकी है। और इसी की तलाश करने के लिए हाजिर हूं मैं काजोल नारायण अपनी पूरी टीम के साथ। बंगाल में चुनावी अमला सड़कों पर है, दिल्ली मुंबई समेत तमाम बड़े राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। क्या शमशान और क्या अस्पताल, जहां देखो वहां या तो लाशों के ढेर लगे हैं या हर तीमारदार अपने साथ आए जिंदा इंसान को लाश तब्दील होने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि शहर से लेकर गांव तक ज्यादातर अस्पताल या तो बेड से जूझ रहे हैं या फिर उन्हें ऑक्सीजन की कमी सता रही है। लेकिन सरकार बंगाल की धरती पर अपनी सरकार बनाने में लगी है। देश का जिंदा लोकतंत्र क्या कहता है, देखिए इन तस्वीरों में। ऐसे में सवाल यही उठता है कि देश की जनता को लोकतंत्र का आईना दिखाने वाली केंद्र सरकार जब खुद ही कोरोना से नहीं डर रही तो फिर जनता भला क्यों पीछे हटेगी। हालांकि यूपी सरकार को हाईकोर्ट में कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन यूपी सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लिया और सुप्रीम कोर्ट से यूपी को राहत मिल गई। यानी अब यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब यहां पर एक बात तो सटीक बैठती है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कितने दुरुस्त आए ये भी आपको बताते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला ले लिया है। बंगाल में अब पीएम मोदी की रैली में 500 से ज्यादा लोगों को उपस्थित रहने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन लोकतंत्र का सच यही है कि रैली में 500 ही लोग क्यों? क्या 500 लोगों में कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना की कौन सी गाइडलाइंस है जिसमें लिखा गया है कि कोरोना 500 लोगों में नहीं फैल सकता? दरअसल लोकतंत्र का सच ये है कि बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बंगाल में बीजेपी की रैलियां लगातार जारी हैं। इसको लेकर पार्टी की आलोचना भी हो रही थी। इसके तहत बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से बड़ी रैलियों पर रोक लगाने का फैसला ले लिया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि बंगाल में बीजेपी सभाओं में 500 लोग भी आखिर क्यों? क्या कोरोना 500 लोगों में नहीं फैलेगा? क्या 500 लोगों से कोरोना दूसरी जगहों पर नहीं जाएगा? बीजेपी की तरफ से कहा तो जा रहा है कि बीजेपी अब कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए छोटी छोटी जनसभाएं करेगी। इसके तहत खुले स्थानों में पार्टी जनसभाएं करेंगी। इन जनसभाओं में 500 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र का सच ये कहता है कि बीजेपी को देश की नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार को देश की जनता से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। आज लोकतंत्र का सच में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।